जय हिंद। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। एक बार फिर से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पे जैसे अगर बात करूँ मैं कि ये पृथ्वी है, मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम। और यहाँ कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। ध्यान से समझना है, बड़ी ईमानदारी से समझना है। ये भी याद करेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, और साथ ही गुरुत्वीय मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी याद करके बताऊंगा मैं आपको। और सरल तरीके से यहां से इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी? आर। पृथ्वी की त्रिज्या मान रहा हूं ये दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी मानी है? कैपिटल आर मानी है। पृथ्वी की त्रिज्या अपने को पास पता भी है, ध्यान रखना है। अब यहां पर ये जो वस्तु है, इस वस्तु को नीचे आ रही है, धरती पर नीचे आ रही है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार उसके ऊपर कितना बल लगता है? ए फिजिकल टू एम ए। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। उसका आंसर क्या आता है? ए फिजिकल टू एम ए आता है दोस्तों। क्या आता है? ए फिजिकल टू एम ए। यहां पर गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है, त्वरण की बात हो रही है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल जी नहीं लिखना है, बाकी गलत हो जाता है। तो यहां पे त्वरण ए है, वो रेखीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? स्मॉल जी। ए फिजिकल टू कितना लग रहा है? एम जी। तो यहां पर ये फोर्स कितना लग रहा है? एम जी। और ये फोर्स किस वजह से लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लग रहा है। जैसे यहां से कोई इस मार्कर को मैं नीचे छोड़ूंगा तो ये मार्कर नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जाएगा। और यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसके वेग में परिवर्तन कितना होगा? ए फिजिकल टू एम जी। कितना होगा? ए फिजिकल टू एम जी। ध्यान रखना है, यहां पे लिख देता हूं मैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कितना लगेगा बल दोस्तों? नियम से ए फिजिकल टू एम जी। कितना लगेगा? ए फिजिकल टू एम जी। समीकरण नंबर एक। ये बल किस वजह से लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लग रहा है। और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? ए फिजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे जी लिखना है, ध्यान से, जी एम वन की जगह पे क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, और दूसरा द्रव्यमान कितना है? स्मॉल एम। इनके बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल आर, आर स्क्वायर। ये लग रहा है दूसरा बल। अपन क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। अब अपन ज्ञात कर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र ज्ञात करें, इसमें कौन से बल लग रहे हैं? दोनों बल लग रहे हैं, ये बल और ये बल। समीकरण एक व दो से क्या आ जाएगा दोस्तों? एक दूसरे की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा? एम जी इजिकल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये ध्यान से देखें तो स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है। और इसी के साथ यहाँ पे जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये है कि किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कहाँ निर्भर करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी की त्रिज्या है ये दोस्तों आर। अगर इसमें इसके अंदर अपन जी की वैल्यू लिख दें, पृथ्वी के द्रव्यमान की वैल्यू रख दें और पृथ्वी की त्रिज्या की वैल्यू रख दें तो अपने पास गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? यहाँ पे वैल्यू क्या होता है दोस्तों? अभी मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखना है यस सर। समझ में आ रहा है तो लिखना है यस सर। यहां पे बात करता हूं मैं वैल्यू की, तो जी की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹⁰ 6.67 × 10⁻¹⁰
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है दोस्तों? जी की वैल्यू होती है। अपने पास ये जी की वैल्यू है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6×10^24 के जी। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, इतना ध्यान रखना है। फाइंड कर लिया गया है कि पृथ्वी का वजन कितना है, 6×10^24 के जी इसका द्रव्यमान होता है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों? पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 × 10^6 मीटर। किसका मान होता है दोस्तों? पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, 6.4 × 10^6 मीटर। अगर ये वैल्यू इसके अंदर रखी जाए, ये वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर रखी जाए, तो अपन आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अभी अपन ने गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र निकाला है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना मैं बताऊंगा दोस्तों कैसे। मान लिखते हैं यहाँ पर और वैल्यू फाइंड करते हैं। ये जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू क्या, 6.67×10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ये ध्यान से समझना है दोस्तों, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो डायरेक्ट तो अपने न्यूमेरिकल में काम आती है, लेकिन वो आई कैसे, वो भी तो अपने को पता होना चाहिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू है दोस्तों 6×10^24 के जी, ये वैल्यू है। और अपने पास आर की वैल्यू कितनी है, 6.4×10^6 मीटर का स्क्वायर। ये वैल्यू यहां तक है, यहां तक दोस्तों आपने कॉपी कर लिया है तो ठीक, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मिटाकर ऊपर लिखने वाला हूं। ये दोस्तों यहां पर मैं लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं, और यहां पर मैं इसको आगे सोल्व करने वाला हूं। दोस्तों समझ में आ रहा है कंप्लीट? तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। और आपको जो कोई टॉपिक नहीं समझ में आए, आपको फिजिक्स के अंदर जो कोई टॉपिक भी नहीं समझ में आया, उसको सरल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से समझने के लिए आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। डेफिनेटली मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये क्या आ रहा है अपने पास, जी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ध्यान रखना है, जब आधार समान हो तो गाते जुट जाती है। आधार समान होने पर गुणे के अंदर आधार समान होने पर ज्ञाते क्या होती है, जुड़ जाती है। एक और बात अगर ध्यान से देखें तो ये केजी का स्क्वायर जो है इस केजी से कैंसल हो जाएगा। केजी इंटू केजी को केजी स्क्वायर लिखते हैं, तो ये स्क्वायर केजी से कैंसल हो जाएगा। तो यहां पे अपने पास क्या बचेगा, 6.67×10^-11। यहां से देखना है, ये 10^-11 है, ये 10^24 है। आधार समान होने पर गाते जुड़ जाएगी, तो +24। और आगे क्या बचा है, और × 6, ये 6 बचा है। फिर यहां पे वैल्यू क्या बच रही है, यूनिट इकाई क्या बच रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी, ये केजी लिख दिया। फिर अपॉन में क्या बच रहा है दोस्तों, अपॉन में बच रहा है, अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब दो बार लिखना, लिख देते हैं 6.4×10^6 मीटर × 6.4×10^6 मीटर। ये था सरल तरीके से मैं आपको सोल्व करना सिखा रहा हूं दोस्तों, सरल तरीके से सोल्व करना सिखा रहा हूं। बहुत सारे टीचर तो बताते ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। अभी अपन सोल्व करना सीखते हैं दोस्तों, कितना होता है यहां पे। अब यहां पे बात आ रही है −11 + 24 कितना हो जाता है दोस्तों, प्लस के 13, 13 बच जाते हैं, कितने बचते हैं, 13 बच जाते हैं। तो यहां पे कितने में आएगा, 6.67 × इस 6 को पहले लिख रहा हूं दोस्तों, × 10^13 / 6.4 × 6.4, इसको और इसको मैंने पहले लिख दिया है। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, 10^ आधार समान होने पर गाते जुड़ेगी, 6 और 6 12 मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और इसको लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, केजी केवल केजी, ये अपने पास है। अब यहां पे ध्यान से देखने पर दोस्तों मीटर स्क्वायर कैंसल हो रहा है, मीटर स्क्वायर कैंसल हो रहा है। और इस 10^12 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस है, बटेवा से ऊपर जाता है, हर से अंश में जाता है, तो घात जो हो, प्लस हो तो माइनस हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाती है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो अपने पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 6.67 × 6 × 10^12
13, ये 10 की पावर 12 ऊपर जाएगा तो माइनस का माइनस 12 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 आ जाएगा, और यहां क्या बचेगा न्यूटन अपॉन केजी। अपने पास यूनिट क्या बच रही है, न्यूटन अपॉन केजी यूनिट बच रही है। इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो 10 की पावर 13 में से माइनस 12 आ जाएंगे तो कितने बचेंगे, जी इजिकल टू अपने पास आ जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10, 13 में से 12 बचेगा तो 1 बचेगा, 13 में से 12 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। फिर अपने पास 6.4 इंटू 6.4 यहाँ पे क्या न्यूटन अपॉन केजी, न्यूटन अपॉन केजी। यहाँ पे दोस्तों फिर मैं ये वैल्यू मिटाकर फिर यहाँ सोल्व करने वाला हूँ, यहाँ पे ये सोल्व करता हूँ दोस्तों तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये बड़े आसान तरीके से मैंने बताया है, आप कॉपी के अंदर खुद भी इस तरीके से घात वाले जो क्वेश्चन आते हैं, पावर वाले जो क्वेश्चन आते हैं कठिन लगते हैं केवल बाकी बहुत सरल होते हैं। आप देखिए किस तरीके से ये सरल हुआ है, जी इजिकल टू 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 40.02, कितना आएगा 40.02 इंटू 10 अपॉन, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 को 6.4 को गुणा करके देखिए, गुणा करके देखिए, यहाँ पे 6.4 को 6.4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 40.96, क्या आएगा 40.96 न्यूटन अपॉन केजी, न्यूटन अपॉन केजी। एक और बात, अपना जो गुरुत्वीय त्वरण का मान आएगा वो दोस्तों त्वरण का मान न्यूटन अपॉन केजी में तो नहीं होता है, तो किस में होता है, उसकी त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन अपन ने किसको लिखा था एक्चुअली, न्यूटन एफ इजिकल टू एम ए, एम ए का मतलब द्रव्यमान का मतलब होता है केजी इंटू त्वरण का होता है मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। इस पूरे को ही अपन ने न्यूटन लिखा है, ध्यान रखना है इस पूरे को ही अपन क्या कहते हैं बल की इकाई न्यूटन होती है, न्यूटन की सही इकाई इस तरीके से इसी को अपन ने एन लिखा है, न्यूटन लिखा है। जब यहां पे वैल्यू वापस लिख देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, लिख देते हैं न्यूटन की इकाई एन की जगह पे केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यहां पे सोल्व करते हैं 40.02 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 400.2, कितना आएगा अपॉन यहां पे क्या है 40.96, और अपने पास ये यूनिट क्या बची है मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करेंगे 400.2 में 40.96 का भाग देकर देखिए कितना आता है, वैल्यू आती है 9.77 और आगे डिजिट आती जाती है, तो उसको अगर पूर्णांकन करें तो अपने पास जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपने पास किसकी इकाई है, किसकी मान है, किसका वैल्यू है जी का, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है पृथ्वी के सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर होता है जी इजिकल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों अगर समझ में आया है, कैलकुलेशन करना आसान लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, आपका एक शेयर या आपका एक कमेंट मुझे और प्रोत्साहित करेगा कि मैं आपके लिए इसी तरीके से सरल तरीके से फिजिक्स को आगे सॉल्व करूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।